दोस्तों हाल ही में रॉयल इनफील्ड ने अपनी न्यू मॉडल यानी कि रॉयल इनफील्ड मेट्योर लॉन्च की है जो कि तीन मॉडल फायरबॉल स्टेलर सुपरनोवा में अवेलेबल है दोस्तों आपके सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड मेट्योर 350 फिफ्टी स्टेलर रेड दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल मेट्योर मॉडल्स की प्राइस माइलेज परफॉर्मेंस कलर्स और हाँ दोस्तों कितने डाउन पेमेंट करके आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह टू पॉइंट ओ पे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दोस्तों बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रॉयल एनफील्ड मेटीर थ्री स्टेलर शोरूम्स में ब्लू मेटेलिक ब्लैक मेट रेड मेटालिक थ्री कलर्स में अवेलेबल हैं तो बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं इस बाइक की प्राइस जगदलपुर रॉयल एनफील्ड शोरूम में इस बाइक की एक शोरूम प्राइस एक लाख अंठानबे हज़ार निन्यानबे रुपये है साथ ही आप इसे अस्सी से नब्बे हज़ार के डाउन पेमेंट पे इसे इस बाइक को अपने साथ ले जा सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर अगर डिस्क्राइब करें तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट हेडलाइट से फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो इसके लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स बहुत सिंपल और बहुत प्यारे रखे गए हैं इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इसके मेन हेलोजन लाइट्स की हेलोजन लाइट्स की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ इस टाइप के हेलोजन लाइट लगे हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव और बहुत प्यारे हैं नाइट के टाइम जब इस गाड़ी को ऑन करते हैं और रोड पर चलाते हैं तो इसकी रोशनी रोड के चारों तरफ बिखेर जाती है जिससे गाड़ी को चलाने में बहुत कम्फर्टेबल फील होता है दोस्तों साथ ही मैं बात करना चाहता हूँ इस गाड़ी के मेन हेडलाइट्स के ऊपर ऑल सिल्वर कलर में प्लेट्स लगे हुए हैं जो गाड़ी को एक बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है साथ ही दोस्तों शुरुआत करते हैं हम गाड़ी के मीटर्स से और देखते हैं कि गाड़ी के मीटर्स में ऐसे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें डिजिटल ओडोमीटर डे टाइम रनिंग लाइट्स मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जी एंड नेविगेशन यू चार्जिंग पोर्ट स्पीडोमीटर फ्यूल गेज डिजिटल ट्रिप मीटर लो फ्यूल इंडिकेटर्स लो ऑयल इंडिकेटर्स किल स्विच एन क्लॉक का ऑप्शन इसमें दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसके लुक्स बहुत प्यारे हैं बहुत अट्रैक्टिव है इसके मीटर के बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके हैंडल बार की हैंडल बार की और बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार लेफ्ट हैंडल बार पे कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलता है इसमें पास स्विच का ऑप्शन दिया गया है इसके बटन्स के ऑप्शन सबसे डिफरेंट है अदर बाइक की कंपेयर करें तो इसके बटन सबसे डिफरेंट है इसमें लेफ्ट राइट इंडिकेटर सबसे नीचे हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसके राइट हैंडर बार पे राइट हैंडर बार की बात करें तो ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम इसके राइट हैंडर बार पे दिया गया है इसके बटन की डिज़ाइन सबसे डिफरेंट है सबसे अलग है जो इसे सभी गाड़ियों से अदर कंपनी की बाइक से इसे डिफरेंट बनाता है इसे मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाऊँगा इसके साउंड सुनाऊँगा इसे ऑन करने के बाद किस टाइप के इसके साउंड आते हैं फिर उसके बाद हम दोस्तों हम आते हैं इसके टैंक पे इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है लेफ्ट साइड पे रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है जो ऑल सिल्वर कलर पे है लो चाबी ऑन करो दोस्तों मीटर और फ्यूल टैंक के बाद हम बढ़ते हैं इसके फ्रंट टायर की और फ्रंट टायर के जस्ट ऊपर ऑल रेड कलर में मड गाड़ दिए गए हैं साथ ही येलो कलर के रेडिएटर्स इस बाइक की फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक 41 वन एम एम वन थर्टी एम एम ट्रेबल है साथ ही इसमें सी एड टायर कंपनी द्वारा दिया हुआ है टायर ट्यूबलेस है टायर साइज़ हंड्रेड बाई नाइन्टी नाइनटीन इंच है व्हील टाइप इसमें अलॉय है फ्रंट व्हील साइज़ की बात करें तो नाइनटीन इंच है कैलिपर टाइप इसमें टू पिस्टन है डिस्क ब्रेक टाइप है इसमें फ्रंट ब्रेक साइज की बात करें थ्री हंड्रेड एम एम है दोस्तों साथ ही इसके फ्रंट टायर के बाद हम आते हैं इसके इंजन पे और इंजन पे देखते हैं ऐसे क्या क्या एडवांस फीचर्स दिए गए हैं इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें फ्यूल टाइप पेट्रोल है मैक्स पावर ट्वेंटी पॉइंट टू बी एच पी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड आर पी एम है मैक्स टर् की बात करें ट्वेंटी सेवन एन एम फोर थाउजेंड आर पी एम डिसप्लेसमेंट थ्री फोर्टी नाइन सी सी की है नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वन है बोर सेवेंटी टू एम एम स्ट्रोक एट्टी फाइव पॉइंट एट एम एम कंप्रेशन रेशियो की बात करें नाइन रेसी फाइव रेसियो वन है ऑल डिजिटल इग्नाइजेशन सिस्टम है इसमें कूलिंग सिस्टम इसमें दो टाइप्स दिया गया है एयर एंड ऑयल कुल cool दिया गया इसमें. है. है इसमें ट्रांसमिशन फाइव स्पीड मैनुअल है फ्यूल डिलीवरी की बात करें फ्यूल इंजेक्शन है इसमें लेफ़्ट साइड पे कुछ इस टाइप के टूल बार दिए गए हैं जिसमें मेटर 350 का लोगो ऑलरेडी लगाई हुआ है फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसके राइडिंग रेंज की तो फाइव किलोमीटर इसके राइडिंग रेंज है माइलेज की बात करें थर्टी टू माइलेज ऑनर रिपोर्टेड की बात करें थर्टी फाइव है इंजन के बाद हम बढ़ते हैं रेयर टायर की और रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर सस्पेंशन ट्विन ट्यूब इमोल्शन शॉक एब्जॉर्बर विथ सिक्स स्टेप अजस्टेबल प्रीलोड है इसके बाद हम आते हैं इसके ब्रेक टाइप ब्रेक टाइप की बात करें तो इसमें डिस्क है ब्रेक साइज़ 270 सेवेंटी एम एम है कैलिपर टाइप इसमें बात करें तो सिंगल पिस्टन कैलिपर है एलोई व्हील्स है व्हील साइज़ 17 इंच है टायर साइज़ की बात करें 140 फोर्टी बाई सेवेंटीन ट्यूबलेस है फ्रंट लुक के बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके रेयर लुक की रेयर लुक पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट राइट एंडिकेटर्स जो दिखने में बहुत सिंपल और बहुत प्यारे लग रहे हैं उसके बाद हम आते हैं इसके ब्रेक टेल लाइट ब्रेक टेल लाइट की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो बहुत प्यारे हैं नाइट में जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं इसमें सीट के जस्ट पीछे रॉयल इनफील्ड का लोगो लगा है जो ऑल वाइट कलर में है उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों इसके फूटरेस्ट की जो कि इंडियन कस्टमर के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से ऑल ब्लैक कलर में इसके फूटरेस्ट रखे गए हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहे हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके फूटरेस्ट के डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है जो बहुत ही सपोर्टिव और बहुत कंफर्टेबल है उसके बाद लेफ्ट साइड पे कुछ इस टाइप से टू बार रखे गए हैं जो ऑल रेड मेटालिक कलर में है इसमें आप देख पा रहे हैं मेट्योर 350 का लोगो लगा है जो ब्लैक एंड रेड कलर में है दोस्तों अगर डायमेंशन इन चेसिस की बात करें कर्ववेट इस में 191 केजी है और ऑल लेंथ की बात करें 2140 एमएम mm है इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 170 एमएम mm है इसके सबसे सब पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसकी सीट हाइट सीट हाइट की बात करें तो 765 सिक्स mm फाइव है यानी कि 765 सौ mm पैंसठ जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है इसके सीट के डिजाइन डिज़ाइन कुछ इस टाइप से रखे गए हैं इसमें चेसिस टाइप की बात करें तो ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम इसमें रखा गया है और इसके ओवरऑल हाइट की बात करें 1140 सौ mm चालीस एम है कर वेट की बात करें 191 नाइन्टी है इसकी डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है इसके मीटर इसके अदर डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं बहुत अट्रैक्टिव है जो दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2021 में रॉयल एनफील्ड शोरूम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक में से एक मेटोर थ्री है जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है अगर आपको ये बाइक पसंद आई अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर अपना नाम और नंबर डाल दूंगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ यहाँ के स्टाफ को जिन्होंने मेरी इस वीडियो को बनाने में बहुत मदद की तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए बाइक के साथ एक नए कार के साथ तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय टाटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे